आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो एक कप के करीब हमने सूजी डाल दी है। तो सूजी को हम अच्छे से तेल में भून लेंगे गोल्डन कलर होने तक। तो देखिए सूजी का कलर चेंज होने लगा है, तो हमें इस तरह से सूजी को पकाना है और ये गोल्डन कलर की हो गई है और इसमें पकने की खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, जीरा डाल दिए हैं, हींग डाल देते हैं। तो जीरा हमारा पक गया है, अब हम प्याज को डाल देते हैं। प्याज को हम हल्का सा भून लेते हैं। और ये लाल मिर्च दो हमने तोड़ के डाल दी है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो प्याज हमारा आधा पक गया है, अब इसमें हम चने की दाल डाल देते हैं। तो चने की दाल को हम पहले से ही भिगो के रख दिए थे और ये अच्छे से फूल गई है। प्याज के साथ में चने की दाल को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए चने की दाल और प्याज अच्छे से भून गया है। अब हम सूजी को डाल देते हैं। सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पानी डाल देते हैं। पानी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है, इतना पानी मिलाना है कि सूजी के ऊपर तक पानी आ जाए, जितने में सूजी पक जाए उतना ही हमें पानी मिलाना है। तो अब इसे हम चलाते जाएंगे और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। स्वाद अनुसार नमक मिला लिए हैं। तो इसे हम चलाते रहेंगे।
तो देखिए पानी सोखता जा रहा है। तो इसे हमें सूखा करना है, तो इसे हम 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। तो देखिए ये सूखा सूखा हो गया है, अभी इसे हम और चलाते जाएंगे। ये जितना सूखा हो जाएगा खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इसे हम 2 मिनट तक और चला लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और 2 मिनट तक इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए हमारा सूजी का नमकीन नाश्ता बनके रेडी हो गया है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इस नाश्ते को बना के ज़रूर खाएं। इसे बच्चे बड़े सभी मांग मांग के खाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।